अलीगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर एएमयू के वीसी का जमकर हो रहा है विरोध। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, तो छात्रों ने वीसी के साथ अभद्रता की है, छात्रों ने वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इंजीनियरिंग के छात्रों से बातचीत करने पहुंचे थे वीसी, तो आज 6 फैकल्टी की परीक्षा होनी थी, छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया और इस दौरान वीसी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। 24 घंटे में एएमयू को लेकर बंद करने के लेटर पर भी बवाल हुआ है, तो छात्रों ने वीसी के साथ अभद्रता भी इस दौरान की है। आपको बता दें कि आज होने वाली परीक्षाओं का बहिष्कार इन छात्रों की तरफ से किया गया। तो इंजीनियरिंग के छात्रों से बातचीत करने पहुंचे थे ये वाइस चांसलर और इसी दौरान जमकर विरोध यहां पर उनका किया गया। संवाददाता प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक बार फिर से एएमयू में वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और अभद्रता छात्रों की तरफ से। प्रमोद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बावजूद इसके जिस तरीके से वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी करना, नारेबाजी भी इतनी हद पार करने वाली, मतलब नीचे गिरने वाली, कि वीसी को दलाल कहना, मुंह पर छात्र दलाल कह रहे हैं। और हालांकि जब बाबा छात्र विरोध वाइस चांसलर का कर रहे थे, तो वाइस चांसलर गाड़ी लेकर जैसे ही आगे बढ़े तो सैकड़ों की तादाद में छात्र गाड़ी के पीछे दौड़े। देखिए, कहीं ना कहीं छात्रों के उस पर सवालिया निशान तो खड़ा होता है कि जिस तालीम और तहजीब के नाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाना जाता है और ये जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि छात्रों की मानसिकता किस तरीके की होगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल वाइस चांसलर ने एक डीएम एसएसपी के अलावा जामिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो छात्र हैं वो लिया जा 24 घंटे में या तो शांति का माहौल कैंपस में पैदा करने, परीक्षाएं होने दें, अगर नहीं होने देंगे तो निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी बंद होना तय है। तो इसी बात को लेकर वाइस चांसलर तारिक मंसूर इंजीनियर बिल्कुल कहीं ना कहीं फिलहाल की स्थिति को प्रमोद देखते हुए यही लग रहा है कि कोई सख्त एक्शन लेने की अब जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले को लेकर। तो एएमयू को बंद करने के लेटर पर भी यहाँ पर बवाल देखा गया और वीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके साथ अभद्रता भी की गई।